sounds, bitch. तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय वीडियोस। तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप लोग इस टाइप का अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो इसके लिए जरूरत पड़ता है क्राइम मास्टर की। तो आप लोग यहाँ पे क्राइम मास्टर को ओपन कर लिया हूँ मैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है, चलिए फटाफट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करना भाई वीडियोज़। तो यहाँ पे आप लोग क्राइम मास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की इंटरफेस मिल जाती है, ठीक। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर पर प्रेस का आइकन क्लिक करना है। आप लोगों को जो रेस्क्यू चाहिए वो चूज़ कर लीजिएगा। मुझे चाहिए यूट्यूब के लिए, तो मैं यूट्यूब के लिए चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो कहीं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप लोग को जो फोल्डर है ओपन हो जाएगा। आप लोग को जो भी वीडियोज़ है आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जो वीडियो है अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं जो है ओके करने का ऑप्शन दिया, तो ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर फटाफट अपना वीडियो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट होगा। क्योंकि ये प्रो वर्जन है तो प्रो वर्जन में कुछ अलग ही तरीका दिया है, और आप लोगों को पता ही है कि प्रो वर्जन कुछ ज़्यादा ही हटके आया हुआ है और बहुत ही मस्त है। तो कहीं इस वीडियो को थोड़ा सा मैं लेते बड़ा कर लेता हूँ, जहाँ तक चाहिए मैं वहाँ तक ऐड कर लूँगा वीडियो को। तो कहीं जैसे थोड़ा सा वीडियो मुझे छोटा करना है तो मैं फटाफट छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग क्लिक करना है लेयर पर, लेयर पर क्लिक करना है यहाँ पे टेक्स्ट पे, और अपने यहाँ पे अपने जो अपना लिखना है अपना लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नेचर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे नेचर से कुछ रिलेटेड वीडियो है तो मैं अपने यहाँ पे नेचर ही लिखूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो अपना लिख सकते हो, या अपने नाम से बना सकते हो, या चाहे किसी और चीज़ के नाम से बना सकते हो। तो मुझे यहाँ पर जो चाहिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ, और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और जहाँ से चाहिए वहाँ मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ यहाँ से अपना देख लेते हैं, पहले टेक्स्ट को मैं जो है ये थोड़ा सा पीछे कर लूँगा, बैक में कुछ इस तरीके से चाहिए मुझे यहाँ से, तो मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। पीछे करने के बाद गाइस इसका साइज़ जो है आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, जो आप लोगों को साइज़ चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है और चले जाना है फ़ॉन्ट पे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं अपना ये वाला फ़ॉन्ट ही रखूँगा। ये फ़ॉन्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है था हमको, तो ये फ़ॉन्ट हमने चूज़ किए हैं। आप लोगों को जो फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा आप लोग वो चूज़ कर लीजिएगा। तो ये साइज़ जो है इसका छोटा है, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। वीडियो से थोड़ा सा ही छोटा रखना है, ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, बस इतने के आसपास, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्लिक करना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कौन से रिलीजन करना है ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसे जो है थोड़ा सा स्लो मोशन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही फास्ट जाकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो थोड़ा सा स्लो ख़त्म होगी तो थोड़ा वीडियो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ। उसके बाद इसके शुरू वाला लेवल में आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर वाले में जाएंगे, और आप लोग को इसमें से फ़ॉन्ट्स जो है वो आप लोग देख सकते हो मैं कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग को जिस तरीके के चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ये वाला चाहिए तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे पेड़ जा रहा है वैसे ही सिलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। तो कुछ देखने में अमेजिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बहुत ही फास्ट है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्लो मोशन दे देता हूँ और स्लो कर लेता हूँ। कुछ 2 पॉइंट का दूंगा, 2 पॉइंट कुछ अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये थोड़ा सेलेक्ट करके देखना है। तो मैं यहाँ से ओपन करके देख लेता हूँ, लेकिन 2 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा सा और स्लो कर लूँगा। 2.5 का करके देख लेता हूँ कि ये कितना अच्छा दे रहा है। तो भाई 2.5 जो है बहुत ही धीमे रफ्तार से चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको और कम कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इतना के आसपास मैं रख लूँगा, बहुत ही अच्छा। अब वीडियो के मुताबिक ये बराबर चलने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर ये हो चुका है, बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो कहीं यहाँ पे आप लोग क्या करना है, अब आप लोग चाहिए कलर, ठीक है। कलर ग्रेडिंग जो करना है आप लोग को यहाँ पे, मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी एफिसिटी जो है थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कुछ इतने के आसपास। उसके बाद वीडियो को ओपन कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है हमको। आगे आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जो सॉन्ग ऐड करना है आप लोग सॉन्ग ले सकते हो, या अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस सॉन्ग का, ये भी सॉन्ग आप लोग ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, और सॉन्ग का थोड़ा बंद कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे प्लग चला कर चेक कर लेता हूँ कि अच्छी तरीके से वीडियो जो है वो सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो मेरा सेट हो चुका है, और सॉन्ग जो है थोड़ा बड़ा सॉन्ग है, तो मैं यहाँ सॉन्ग को थोड़ा कट कर लूँगा। बहुत ही अच्छे यहाँ पे सॉन्ग को कट कर लिए हैं। सॉन्ग को कट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फिर से मैं प्ले करके एक बार देख लेता हूँ। गाइस अब यहाँ पे क्या करना है, वीडियो का जो सॉन्ग है वो बंद कर लेना है, जो पहले से आवाज़ वगैरह था वीडियो में वो बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं अपना
सॉन्ग का प्ले जो है ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ से मैं चला के आप लोगों को चेक करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था वीडियो, और ये सॉन्ग जो है अपना एकदम डेडिकेटेड मिल गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माई ऑल फ्रेंड्स।